कोई किसी को महान नहीं बना सकता, कोई किसी को बलवान नहीं बना सकता, और कोई किसी को अफसर नहीं बना सकता, कोई किसी को हीरो नहीं बना सकता, कोई किसी को बुद्धिमान नहीं बना सकता। ये सब कुरीतियां हैं। जब भी बनेगा इंसान अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने जुनून से, अपने कर्मों से, तभी वो महान बन सकता है, तभी वो बलवान बन सकता है, तभी वो कोई बड़ा अफसर बन सकता है, तभी वो कोई बड़ा दार्शनिक बन सकता है, तभी वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। लोग सिर्फ प्रोत्साहित करेंगे, आपको आइडियाज देंगे, तरह तरह की आइडियाज देंगे, प्रोत्साहन देंगे और छोटा मोटा हेल्प भी कर देंगे, मगर चलना तो आप ही को पड़ेगा साथियों। एक एक कदम आपको ही चलना पड़ेगा, सफलता की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। 1% एक पैसा भी अगर आपने कम कर दिया तो सफलता आपसे कोसों दूर रह जाएगी। मैंने कई बार समझाया है आपको और एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वक्त सुनहला है, टाइम बहुत अच्छा है। जरा आज से 30 साल 40 साल पहले जाकर आप देखिए और इतिहास पलटिए तो आपको लगेगा कि उस समय अपॉर्चुनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, यानी कि मोबाइल भी नहीं था, यातायात का साधन भी नहीं था, कन्वेंस की बहुत कमी थी और लोगों से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, ना ही कोई कंप्यूटर की सुविधा थी, ना ही कोई और भी आधुनिक सुविधाएं थी। फिर भी उस जमाने में लोगों ने बहुत कमाल का मुकाम हासिल किया। तो आज हम पीछे क्यों? आज तो सब कुछ उपलब्ध है, इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतना सारा कुछ, सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी हम पीछे हैं। क्यों भाई, हम पीछे क्यों हैं? उसका रीजन किसी और में नहीं ढूंढने की जरूरत है साथियों। आप खुद के अंदर झांकिए और देखिए कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमजोरी है हम उसके कारण तरक्की नहीं कर पा रहे। सबसे अच्छा मित्र आपका आप खुद हैं, क्योंकि आप शांत बैठ जाइए, मन को शांत कर लीजिए और एक पहलू पर सोचिए कि हम आज दुनिया में पीछे क्यों हैं, लोग इतनी तरक्की पे क्यों हैं, क्या कारण है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, क्या मेरी कमजोरी है, किस वजह से मैं रुका पड़ा हूँ। आपका मन, आपकी आत्मा, आपका दिल स्वयं ही आपको गाइडलाइन देगा कि आप इस पहलू पे कमजोर हैं और इस पहलू को मजबूत कर लेंगे तो आप भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हम किस राह में, किस सोच में बैठ गए हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि वो गोल्डन पीरियड का इंतजार कर रहे हैं। नहीं भाई, सावन में नहीं भादों में करेंगे, भादों में नहीं कुवार में करेंगे, कुवार में नहीं कार्तिक में करेंगे, नहीं नहीं अगहन में करेंगे, नहीं नहीं जनवरी में करेंगे, नहीं नहीं अगले साल करेंगे। अरे भाई, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परलय होगी बहुर करोगी कब। ये तो बचपन में हमने सुना ही था कि वक्त किसी का गुलाम नहीं होता। वक्त आज जो है कल फिर आज होगा, कल जो है वो फिर आज होगा, ऐसे ही समय बीतते रहेंगे। एक एक मिनट की कीमत को समझिए साथियों और अपना पहला कदम बढ़ाइए आगे बढ़ने में के लिए, कामयाब होने के लिए। वो वक्त दूर नहीं कि जब कामयाबी आपके साथ होगी, लेकिन आपको कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। यूं सोच करके अगर आप ढीले बैठ गए कि नहीं नहीं ठीक है, जितना रोटी पानी तो मिल ही रहा है, बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ ही लेंगे, कोई इशू नहीं है, तो एक बात ध्यान रखना, जीवन बड़ा अनमोल है। ये जीवन जो आपको ईश्वर ने दिया है, और वो भी सही सलामत, आंख नाक कान मुंह दांत बाल सब कुछ देते हुए भी अगर पीछे रह गए तो मैं समझता हूँ साथियों, इससे बड़ा और संकालु काम कुछ नहीं दुनिया में, कि इतना सब कुछ भरा पूरा शरीर होते हुए भी हम कोई अचीवमेंट नहीं कर पाए, हम कहीं मुकाम पर नहीं जा पाए, हम अच्छे से बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाए, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, अच्छा
वातावरण नहीं बना पाए, अपने लिए घर नहीं बना पाए, कुछ गाड़ी वाड़ी भी नहीं लिए, तो हम समझते हैं कि ये जीवन निरर्थक है। उठिए, जागिए साथियों, और कदम बढ़ाइए। किसी एक क्षेत्र को चुनिए जो आपके लिए इजी हो और उसी पर लगातार संघर्ष करते रहिए। 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हद्दी हद्दा आप सफल हो जाएंगे। थैंक यू साथियों, अगली ऑडियो में मिलते हैं। नमस्ते।